मौसम की, बस्तर में झमाझम बारिश हुई है। निगम का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया। गंगानगर, गांधीनगर, दलपत सागर वार्ड हुआ जलमग्न। शहर के शहीद पार्क के सामने तालाब बना हुआ जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल निगम प्रशासन जो दावे करता है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को और बेहतर किया है, उन दावों की पोल खुलती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर भर गया है और अब लोगों को बदबूदार पानी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि दोनों तरफ के दोनों साइड गहरा है और नाली क्या है, चौक है और नाली छोटा है, तो डेढ़ घंटे का पानी में ये हाल है, दोनों ओर पानी भरी हुई है। ऐसे हर रोड में निकलते ऐसी परेशानी है ना। कितना देर पानी गिरा? एक डेढ़ घंटा गिरा होगा पानी लगभग। ये तो पूरा जलमग्न हो गया पार्क, जलमग्न, ये पूरा ही भर गया है पूरा। तो ये तो काम हुआ क्या निगम का? रोड रन से लेके पूरा पूरे टाउन का ही हाल है। तो काम हुआ था, ये पुल पानी नहीं भरेगा? तो काम हुआ था, एक साइड का पुलिया बना हुआ है, एक साइड का बनाया नहीं है। हाँ, तो पूरा इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वही कोंडा गांव में हुई झमाझम बारिश, रुक रुक कर तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश के कारण घर से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है घरों से बाहर निकल पाना, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इस पानी, गंदे पानी के भर जाने की वजह से लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल है। कोंडा गांव में झमाझम बारिश हुई, इलाका पूरा तरबतर हो चुका है और इस दौरान निचले इलाके खासतौर पर यहां पर पानी भर चुका है। और चलिए अब देखेंगे